Good morning, students. Welcome in online classes of NRPS school. Students, हमारे second chapter जो है science का चल रहा है nutrition in animals. First, we recall this chapter. I explain you that nutrition's जो है nutrition's के steps के बारे में. Nutrition steps are five type of nutrition steps and they are first ingestion means to take in food in our body. Second is digestion means when complex food breaking down into simpler form of food. थर्ड absorption means जब digestion होता है तो digestion के बाद में simpler form में food convert हो जाता है और उस simpler kind of food का body cells उसको absorb कर लेती है. तो this process is called absorption. Absorption के बाद में आता है assimilation process. तो बच्चों आज हम assimilation process है उसको पढ़ेंगे. एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो मैंने कल आपको बताया था. एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होता है वो हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं जिसको हम कहते हैं विलाय. ठीक है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो क्या करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन सरफेस इनक्रीज कर देता है. जैसे मान लेते हैं ऐसे एक यूं कोई चीज़ है, इससे जितना वाटर एब्जॉर्ब होगा उससे ज़्यादा अगर ऐसे है तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो अलग अलग सरफेसेस पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा. तो एब्जॉर्प्शन का सरफेस क्या हो गया, बढ़ गया. पहले एब्जॉर्प्शन का सरफेस अगर सीधा, अगर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता स्मॉल इंटेस्टाइन का तो एब्जॉर्प्शन का सरफेस सिर्फ इतना ही होता जो उसकी ट्यूब के जो इनर वॉल है उतना ही होता. बट जब वो इनर वॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में इस तरीके से अंदर की तरफ निकली होती है तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज हो जाता है. सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो मेन ऑर्गन है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसमें कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है. सेकेंड बच्चों, अब हम आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन जो है वो प्रोसेस होता है टू गेट एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड. जब वो प्रोसेस इन विच वी गेट एनर्जी, वो प्रोसेस जिसमें हम एनर्जी लेते हैं फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड हो गया. डाइजेस्टेड फूड कहाँ है, देखो डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे, डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन हो गया और वो जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उससे हमने एनर्जी लेनी है. क्योंकि हम फूड क्यों ले रहे हैं, हम फूड का क्या यूज है, क्या यूटिलाइजेशन है, तो फूड इज़ नेसेसरी फॉर आवर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. और फूड क्यों डेवलपमेंट और ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि फूड प्रोवाइड अस एनर्जी. सो एनर्जी लेना फूड से, जो न्यूट्रिएंट अपन ने एब्जॉर्ब कर लिए स्मॉल इंटेस्टाइन ने, उससे एनर्जी लेना भी एक प्रोसेस है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, ब्लड सेल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती है, जैसे मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में बताया था आपको, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या कर लेती हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेती है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन. ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब क्या होता है, जो ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था विलय का, तो विलय जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरीके से निकले हुए होते हैं और ये जो है ये क्या है, अपनी एब्जॉर्प्शन सरफेस है जहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाएगा. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो विलय है इसके यहीं पे ही ब्लड वेसल्स होती हैं.
ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक न्यूट्रिएंट को ले जाती है। जैसे विलई ने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद में आफ्टर एब्जॉर्प्शन ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्टेड न्यूट्रिएंट, है ना, ट्रांसपोर्टेड न्यूट्रिएंट टू अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, अलग अलग जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ तक क्या करती है, वो ले जाती है। और अब मानते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट्स इन ब्लड, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट इन ब्लड जो है वो मान लेते हैं एक सेल में चले गए, ठीक है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो वो वहाँ पर ब्लड चला जाता है, क्योंकि ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी के सब सेल्स में, क्या जाता है, ब्लड जाता है। अब वो वहाँ ब्लड चला गया, ब्लड के साथ क्या हो गया, न्यूट्रिएंट चले गए। अब यहाँ पर न्यूट्रिएंट जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, इट्स मीन न्यूट्रिएंट जो है वो ब्रेकिंग डाउन होंगे और न्यूट्रिएंट्स ब्रेकिंग डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये ध्यान रखना, यू रिमेंबर, न्यूट्रिएंट जो है ब्लड में जो न्यूट्रिएंट है वो ऑक्सीजन की, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे आर ब्रेकिंग डाउन इन टू एनर्जी एंड CO2, ठीक है, एनर्जी CO2 एंड वाटर। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज क्लियर, assimilation इज द प्रोसेस इन विच द न्यूट्रिएंट absorbed बाय द ब्लड आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज ब्रोकन डाउन इन टू एनर्जी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बच्चों, assimilation का जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन भी है, क्योंकि जब ऑक्सीजन हमें क्यों नीड होती है, इसलिए नीड होती है, तो ऑक्सीजन जो है न्यूट्रिएंट से एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, इसका ऑक्सीडेशन होता है जिससे न्यूट्रिएंट ब्रेकिंग डाउन होते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। सो क्लियर, हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, assimilation, the nutrient absorbed by the blood, the nutrient absorbed the nutrient absorbed by the blood, nutrient absorbed by the blood are transported to each cell of the body where it is broken down with the help of किसकी हेल्प से ब्रोकन डाउन होते हैं, ऑक्सीजन, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी CO2, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये चीज़ समझ में आई,
न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन जो है वो क्या प्रोवाइड कराएगी, एनर्जी, CO2 एंड वाटर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये है एसिमिलेशन प्रोसेस। अगर मैं इसको इक्वेशन में लिखकर अगर लर्न करना चाहूँ तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट प्लस CO2 ब्रेकिंग डाउन होता है एंड प्रोड्यूस्ड एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो स्टूडेंट्स, एसिमिलेशन इज क्लियर, बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एसिमिलेशन जो प्रोसेस है वो प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट है ना। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। सो द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय द ब्लड आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल ऑफ द बॉडी। हर सेल में, हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में, और उन सब सेल में ब्लड ट्रांसपोर्टेड होता है, और उन ब्लड सेल, उन सेल्स के अंदर क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है इन न्यूट्रिएंट्स का विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस एनर्जी वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो स्टूडेंट, अब ये क्लियर हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। सेकेंड और लास्ट जो प्रोसेस है हमारे न्यूट्रिएशन का, अब वो है इजेशन। तो इजेशन को हम बताते हैं। देखो, इजेशन जो है वो प्रोसेस है टू रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जो बॉडी से वेस्ट है, वेस्ट पर जितना बसता है बाद में, उसको बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस जो है वो है इजेशन। इजेशन, देखो, इंजेशन तो फूड को अंदर लेने का प्रोसेस था, और इजेशन बाहर। ध्यान रखना, ई फॉर एग्जिट, एग्जिट से याद रख लेना, ई फॉर एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो, जो अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, और एब्जॉर्प्शन से न्यूट्रिएंट कहाँ चले गए, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में चले गए, दूसरी सेल्स के पास चले गए। बट अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, और हेयर वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड विथ विच बिकम्स सेमी सॉलिड। अब क्या होता है, वहाँ पर अगर मान लेते हैं अगर उस अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर है, तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से, और जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है उसकी फॉर्म में फूड आ जाता है। दिस इज कॉल्ड फेस, इसको फेस बोलते हैं। द फेसेस आर स्टोर्ड इन रेक्टम, जो फेसेस है वो, जो वेस्ट है वो कहाँ स्टोर रहता है, रेक्टम के अंदर, एंड पासिस आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, और एनस से बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। तो इजेशन प्रोसेस में क्या है बच्चों, द अनडाइजेस्टेड फूड, द अनडाइजेस्टेड फूड, द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरता है। हेयर वाटर इज एब्जॉर्ब, हेयर वाटर इज एब्जॉर्ब, जहाँ पे वाटर, अगर एक्स्ट्रा वाटर है अनडाइजेस्टेड फूड में तो एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब, एंड एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एंड बिकम
सेमी सॉलिड बिकेम सेमी सॉलिड दिस इज कॉल्ड faces ठीक है faces जो solid waste है वो are stored in rectum कहाँ पे स्टोर रहता है ये जो सॉलिड वेस्ट है वो कहाँ स्टोर रहेगा रेक्टम एंड पास्ड आउट एंड पास्ड आउट थ्रू द एनस एनस ठीक है एनस से ये बाहर निकल जाता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईजेशन ठीक है स्टूडेंट्स क्लियर तो ईजेशन का प्रोसेस जो है द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ कहाँ पे स्टोर रहता है रेक्टम में और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी लार्ज इंटेस्टाइन और जो फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है जिसको फीसेस कहते हैं और ये फीसेस जो है वो स्टोर्ड रहता है इनटू रेक्टम और पास्ड आउट कर दिया जाता है बाद में रेगुलरली ये पास्ड आउट हो जाता है फ्रॉम एनस एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम सो स्टूडेंट्स आई थिंक दैट इज क्लियर और ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से जो आज मैंने एसिमिलेशन और ईजेशन पढ़ाया है दोनों के दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी देखो बच्चों हमने जो प्रोसेस जो है हमारे न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं वो हमने सारे स्टेप्स पढ़ लिए हैं एक बार देखो मैं आपको वापस से बताती हूँ न्यूट्रिशन के स्टेप फर्स्ट जो है उसमें हमारे आता है प्रोसेस इंजेशन ठीक है सेकंड प्रोसेस था डाइजेशन थर्ड प्रोसेस अब तो याद हो गया होगा आप लोग बोल सकते हो एब्जॉर्प्शन फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज ईजेशन यस ये दोनों पार्ट दोनों जो स्टेप्स हैं वो मैंने आज आपको बताया एसिमिलेशन एंड ईजेशन तो स्टूडेंट्स ये सारे जो स्टेप्स हैं वो इस चैप्टर का मेन पार्ट है और इसी पर ये पूरा चैप्टर था अब देखो इंजेशन जो है वो क्या है टू टेक इन फूड ठीक है टू टेक इन फूड इन आवर बॉडी हमारी बॉडी में फूड लेना क्या है इंजेशन प्रोसेस है ठीक है सेकंड जो है वो है डाइजेशन तो डाइजेशन है To breaking down, ये short मैं आपको अभी समझा रही हूँ वापस से एक बार short में definition लिखा रही हूँ आपको definitions तो वही learn करनी है जो मैंने आपको long लिखवाई है ये तो मैं आपको एक short में समझा रही हूँ वापस से To breaking down complex
food into simpler form. ठीक है, to breaking down complex food into simpler form. ठीक है, और इसके बाद में absorption of soluble nutrients, जो soluble nutrient हो जाते हैं digestion के बाद में, उनका absorption होना, absorption process, assimilation to get energy from absorbed food से energy लेना, और egestion जो है, egestion process क्या होता है, passed out undigested food. तो बच्चों शॉर्ट में मैंने आपको ये 4-5 वापस से स्टेप एक बार रिकॉल कर रहे हैं अपन. इंजेशन टू टेक इन फूड इन आवर बॉडी, इंजेशन का मतलब है फूड को अपनी बॉडी में लेना. डाइजेशन टू ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म. एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट, जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है किसका, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स का. एसिमिलेशन टू गेट एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब फूड जो है उससे एनर्जी को लेना. एंड इजेशन टू पास आउट अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना. तो ये 5 न्यूट्रिशन के स्टेप जो है ह्यूमन में आपका डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है आज. ठीक है, तो डाइजेशन इन ह्यूमन इज कंप्लीटेड. होमवर्क लिख लें बच्चों आज का. क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंजेशन एंड इजेशन. क्लियर स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंस बताना है, दोनों में अंतर करना है, इंजेशन एंड इजेशन. तो इंजेशन की डेफिनेशन जो मैंने स्टार्टिंग जब कराया था तभी लिखवा दी थी, इजेशन की आज लिखवा दी है. दोनों को आपको, दोनों की डेफिनेशन लिखनी है. नेक्स्ट है, वेयर एंड हाउ डज absorption of food take place in the human digestive system. Absorption जो मैंने आपको कल लिखवाया था उसके बारे में आपको लिखना है कि कहाँ पर जो है वो absorption का process होता है, इसके बारे में आपको explain करना है. ठीक है, और next define assimilation.
एसिमिलेशन की डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क के जो आपको करके लाने हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंजेशन एंड एसिमिलेशन। तो इंजेशन और एसिमिलेशन के बारे में आपको पता है, द फूड टेकन इनटू माउथ, ठीक है, और ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपल स्मॉलर पीसेस, जो ये प्रोसेस है वो इंजेशन का प्रोसेस ह्यूमन बींग में होता है। और इंजेशन का मतलब क्या होता है, इंजेशन का जो मीनिंग है वो है कि फूड को अंदर लेना। तो ये आपको डिफरेंस बता देना है, इसके बाद में एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है ह्यूमंस में वो उसे पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, एंड देन डिफाइन एसिमिलेशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।